हृदय रोगियों के लिए ये 11 चीजें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे आपका जो हार्ट अटैक का जो खतरा है वो काफी हद तक टल सकता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत कम उम्र के जो लोग हैं उनमें हार्ट अटैक जैसी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हार्ट डिजीज करने को लिए बहुत बड़ा मेजर कारण होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब बड़ा होता है तो उसकी वजह से जो दिल संबंधी जो बीमारी है उनके होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है मुख्य रूप से दो तरह का होता है, जो इसमें LDL जो होता है ये हमारी नसों में जमा होना शुरू हो जाता है, नसों में ब्लॉकेज करता है, जिसलिए इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है HDL। HDL हमारे शरीर के लिए काफी प्रोटेक्टिव होता है, यह हमारे शरीर में LDL को जमने से रोकता है, इसलिए इस कोलेस्ट्रॉल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हम तरह तरह के अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं, अपनी डाइट में बदलाव करते हैं, या फिर वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो तरह तरह के तरीके जो है वो हम लोग अपनाते रहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी 11 चीजों के नाम बताऊंगा, यदि आप उनको एज ए फूड रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करेंगे और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको तेजी से बढ़ाएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे जो हर्ब्स के नाम बताऊंगा, चीजों के नाम बताऊंगा, यदि आप इनका रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर AK सिंह, और यहाँ पर बातें होती हैं हेल्थ और फिटनेस की, और आपको सही जानकारी और सही सलाह दी जाती है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, वो कौन कौन से ऐसे फूड हैं यदि हम उनका रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, साथ में जो ब्लड प्रेशर की समस्या है उसको भी सही करेगा, जो HDL है उसको बढ़ाएगा, और जो LDL है उसको कम करेगा। तो इसमें सबसे पहला जो फूड आता है वो होता है आपका ग्रीन टी। आप ग्रीन टी का रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको रिफ्रेश करेगी, साथ में काफी ज्यादा टेस्टी भी होती है। इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से जो HDL है वो बढ़ता है और जो LDL है वो आपका कम होता है। साथ में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेटिव गुण से ये भरपूर होता है, जो कि आपके शरीर में जो फैट एब्जॉर्प्शन को काफी कम करती है, आपके वजन को कम करती है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। इसलिए रेगुलरली आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है लहसुन, क्योंकि आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सल्फर कंपाउंड काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि एलिसिन के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये आपके ब्लड में जो HDL को बढ़ाएगा और LDL को कम करता है। आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं, एक दो कली सुबह सुबह खाली पेट कच्चे चबाकर आप खा सकते हैं, या फिर अपने मसालों में जिसे हम यूज करते हैं मसालों के रूप में इसे प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर अचार खाना चाहें तो लहसुन का आप सिरके वाला अचार का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। यदि आप रेगुलरली लहसुन की कलियों का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को आपको सही रखता है और बहुत सी गंभीर बीमारियों से भी आपका बचाव रखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी आपके खाने के स्वाद को बढ़ाती है, साथ में औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसके अंदर जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो आपकी नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल है उसको हटाने का काम करते हैं, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। साथ में इसको आप गर्म पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूध में डाल के इसे पी सकते हैं। गर्म पानी में आधा चम्मच डालिएगा और उसको पी लीजिएगा, या फिर रात को सोते समय एक गिलास दूध में आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर डालकर पियेंगे तो इसको हम गोल्डन मिल्क के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होती है, साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छी करती है। तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें आप धनिया के जो सीड्स होते हैं, धनिया सीड के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप इसको हम लोग मसाले के रूप में काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं। आप इसे थेरेपेटिक यूज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइपोग्लाइसिमिक गुण होता है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होता है। इसे आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, साथ में आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको जो HDL है उसको ये कम करता है। आप इसे भूनकर इसका पाउडर बना लीजिएगा। इसे आप मिश्री के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक चम्मच सुबह शाम आप गुनगुने पानी के साथ भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा आपके लिए फायदेमंद होगा। और दूसरा तरीका है, आप एक गिलास पानी लीजिएगा और उसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डाल लीजिएगा, उसे एक दो मिनट के लिए उबालिएगा, उबाल के ठंडा कर लीजिएगा। इसको नियमित रूप से अगर सेवन करेंगे तो ये आपके HDL को बढ़ाएगा और LDL को कम करता है, तो इसलिए
कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए जो धनिया सीड पाउडर है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप हरे धनिया की पत्तियां खाना चाहें तो वो भी अच्छा काम करेंगे, आप हरे धनिया की पत्तियों को चबा चबा कर भी खा सकते हैं। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला विटामिन सी और साथ में अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ये हमारे बाल से लेकर दिल तक के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और हमारे जो नसों में जो जमा कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर निकालने में काफी ज्यादा मददगार होता है। आप आंवले को कच्चा चबाकर भी खा सकते हैं लेकिन स्वाद में थोड़ा कसैला होता है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे पाउडर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो भी ज्यादा बेहतर होगा। आप आंवला पाउडर आपको मिल जाएगा, आप आंवला पाउडर को हल्के गुनगुने पानी में, एक गिलास पानी में एक चम्मच डाल के लीजिएगा तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। साथ में आंवले की कई अलग चीजें होती है, जैसे कि आप आंवले का मुरब्बा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आंवले की कई प्रिपरेशन मार्केट में मिल जाती है। आंवला कैंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आंवला जो कैंडी होती है इसमें काफी ज्यादा मात्रा में शुगर आपको मिल जाएगा, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि जो आप कैंडी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि शुगर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, आप मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाना आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको आपको कम करता है, साथ में डायबिटीज की समस्या के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, एंटीऑक्सीडेटिव गुण होता है, इसको अंदर जो मौजूद ट्रोपोनिन तत्व होता है वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा सहायक होता है। साथ के इसके अंदर जो फाइबर है वो आपके लीवर के अंदर जो नेचुरल कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन होता है उसको एक कम करता है, तो इसलिए जो मेथी दाना है वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। आप मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोते समय एक गिलास पानी में एक चम्मच आप मेथी दाना डाल दीजिएगा, सुबह उठकर उन दानों को और उसी पानी को आप चबा चबा के खा लीजिएगा तो ये काफी ज्यादा बेहतर होता है। इस तरह से आप मेथी दाने का इस्तेमाल अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें, आप सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का सिरका बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काफी ज्यादा मददगार रहते हैं, आप इसे बराबर मात्रा में पानी के साथ मिलाकर प्रयोग करेंगे तो ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। और अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का जो नेक्स्ट तरीका है वो है आपका इसबगोल की भुस्सी। आप इसबगोल की भुस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये काफी ज्यादा मददगार होती है क्योंकि इसके अंदर जो सोल्यूबल फाइबर होते हैं वो हमारे गट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, साथ में गट में जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है उसको काफी हद तक कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ये फाइबर से रिच होने की वजह से हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर होता है। यदि आपको पेट संबंधी समस्याएं तो आप इसबगोल की भुस्सी का इस्तेमाल जरूर करिएगा। इसबगोल को लेने का तरीका है, आप इसे केले में मैश करके ले सकते हैं या फिर दही में डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के जो नेक्स्ट फूड की अगर बात करें वो है अलसी के बीज। आप अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लिनोनिक एसिड से भरपूर होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, साथ में अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी ज्यादा मददगार है। आप अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे गर्म पानी में या दूध के साथ इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी के साथ एक चम्मच अलसी पाउडर का इस्तेमाल करिएगा, इससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या वो आपकी सही होती है, साथ में आपके वेट लॉस में भी काफी मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए शहद काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आपको एक गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच नींबू का रस आप डाल लीजिएगा और एक चम्मच आपको उसमें सेब का सिरका मिलाना है और एक चम्मच आपको शहद मिलाना है। इस तरह से इस ड्रिंक को रेगुलरली पीने से आपका बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत जल्दी कम होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 11वां जो चीज है वो है आपको एवोकाडो। आप एवोकाडो फल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मोनोसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है, साथ में इसमें फाइबर भी काफी ज्यादा मात्रा में आपको मिल जाएगा। हर दिन एवोकाडो खाने से आपकी नसों में जमा जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर निकालने में काफी ज्यादा मदद मिलती है, आप इसको इस्तेमाल रेगुलरली करिएगा। एवोकाडो जो फल होता है बिल्कुल मक्खन की तरह इसको स्वाद होता है, इसलिए इसे हम बटर फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। और नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से जो एच डी
HDL है वो आपका बढ़ता है और LDL है वो आपका कम होता है। साथ में LDL की जो गुणवत्ता है उसमें भी काफी सुधार करता है। इसलिए नियमित रूप से आप एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को नियमित रूप से और रेगुलरली और टाइमली हमको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि इसको हम मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत सी हार्ट संबंधी बीमारी होने की जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज इस वीडियो में जो 11 चीजों के आपको नाम बताएं, यदि आप उनको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। और इन तरीकों को आप अपनी लाइफ स्टाइल में जरूर शामिल करिएगा, अपनी एक्सरसाइज के साथ शामिल करें, अपनी डाइट के साथ शामिल करें, तो इससे क्या है कि जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो कम होने की जो कंडीशन है वो और तेज हो जाएगी, मतलब जल्दी आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा। और यदि आपको इस वीडियो संबंधित या कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी आपको सवाल पूछना है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और यदि आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम इत्यादि, आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल यहां तक वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।